अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले आपके साथ इसी मस्जिद के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी कि यहाँ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आखिरी मराहल में, अल्हम्दुलिल्लाह कल इसका इफ्तिताह हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर दोपहर की नमाज़ अदा की है और यहाँ पर आज पहला रोज़ा है और इंशाल्लाह आज के बाद जो है यहाँ पर बाकायदा नमाज जमात होगी, फजर ज़ुहर असर और जुमे की नमाज इंशाल्लाह 1:40 पे यहाँ पे जमात जो है वो खड़ी होगी जुमे की। तो माशाल्लाह से ताजर शेड्यूल पर ने काफ़ी अच्छी मस्जिद बनाई है, यहाँ के मीनार गुंबद वगैरह और ख़ास तौर पे जो विंडोज़ वगैरह हैं जिसकी वजह से दिन के टाइम इनको मस्जिद के अंदर लाइट्स की जो बिजली के बल्ब हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे माशाल्लाह से वजू वगैरह और बाकी इंतज़ाम मौजूद हैं, माशाल्लाह से अच्छी कारपेटिंग वगैरह और एसी सिस्टम वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर दिया गया है। ताज रेजिडेंशिया को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन ताज रेजिडेंशिया के डेवलपर जो है वो सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज काफ़ी स्लो जा रही हैं और इनको चाहिए कि यहाँ के डेवलपमेंट का काम तेज़ करते हैं, यहाँ पे तेज़ी लें तो बेहतर रहेगा। ये छोटा सा गेट जो है ये ख़वातीन के लिए, ये ख़वातीन ये है, यहाँ से यहाँ पर ख़वातीन भी नमाज अदा कर सकती हैं। यहाँ पर नीचे बाकी मकसद है तो जो यहाँ पे आस पास के लोग हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ने आ सकते हैं, अपनी ख़वातीन आ सकती हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मंजूरी यही है कि मस्जिदों में ख़वातीन के लिए जगह, नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं होती, स्पेशली रमज़ान मुबारक में। मस्जिद के लिए रिहाइश की जगह और ये है मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह।